आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। ताज नगरी में इन दिनों वैक्सीनेशन सेंटर पर आने वाले लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार तो लोग बिना वैक्सीन लगवाए ही मायूस होकर लौटे हैं। वैक्सीन की किल्लत होने के बावजूद भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी का दावा है कि ताज नगरी में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। हम प्री रजिस्टर्ड 150 लोगों को वैक्सीनेट कर रहे हैं, जो कि पहले 100 ही हो पा रहा था या उसके पूर्व में 50 हो पा रहा था, अब 150-150 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। इससे ज़्यादा हमारे सेंटर की कैपेसिटी भी नहीं है, उससे फिर भीड़ बन जाती है, सोशल डिस्टेंसिंग कर पाना मुश्किल होता है। इसलिए अब प्रचुर मात्रा में और पर्याप्त मात्रा में हमारे पास वैक्सीन है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। जब 150 का रजिस्ट्रेशन है, 100 का रजिस्ट्रेशन है, तो कम से कम 25 वायल सब जगह दी गई है। अभी कुछ बदलाव, अभी यही बदलाव चल रहा है कि हमने संख्या बढ़ा ली है, अपनी कैपेसिटी बढ़ा ली है, और जहाँ पर हम 50 का वैक्सीनेशन कर रहे थे, अब 150 का वैक्सीनेशन कर रहे हैं 18 प्लस में। और इसके बाद जो हमारे सेकेंड डोज लगाने वाले हैं, वो किसी भी समय कहीं पे भी बिना रजिस्ट्रेशन के आएंगे, उनका वैक्सीनेशन किया जाएगा 100%। इसी तरह से जो हमारे 45 साल के ऊपर के वृद्ध हैं, उनको भी बिना किसी रजिस्ट्रेशन के वैक्सीनेशन किया जा रहा है। थोड़ी परेशानी इसलिए हो रही है कि भीड़ ज़्यादा आ रही है, उनके साथ एक के साथ एक आ रहा है। अगर हमने 150-200 लोगों को वहाँ पर रजिस्टर किया है, प्री रजिस्टर किया है, तो उनके साथ एक एक अटेंडेंट, तो ज़्यादा संख्या में लोग आ रहे हैं, थोड़ी परेशानी होगी। लेकिन हमें आधे घंटे के बाद, जैसे ही वैक्सीनेट हो रहे हैं, आधे घंटे के बाद उनको हम वेट करा के ऑब्जर्वेशन रूम में रख के वापस उनके घर भेज दे रहे हैं।